कि मेरी पत्नी जो मुझको जाने क्यों दिन रात डराती और कभी कभी मुझको जाने कितनी धमकी दे जाती। फिर मैं सोचता है ईश्वर औरत को किस सांचे में ढाला और इसीलिए मर्दों का जीवन बना हुआ है गड़बड़ झाला। कि सुनो राधा हमारे प्रेम का परिणाम आएगा, सुनो राधा हमारे प्रेम का परिणाम आएगा, मुझे जब भी पुकारोगी तुम्हारा श्याम आएगा। मुझे सब लोग पूजेंगे मगर इतना समझ लेना, तुम्हारे नाम से पहले हमारे नाम से पहले तुम्हारा नाम है। जो राधे कृष्णम बोलते हैं ये 5000 साल पहले वादा किया गया था। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने आदरणीय दादा अवस्थी जी किंकर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज का जो कवि सम्मेलन है इस पे शिखर कलश रखें। आदरणीय अवस्थी जी, बात यहीं से शुरू करता हूँ कि कभी भी प्रेम पथ पर उम्र की बाधा नहीं आती, बना लो तन को वृंदावन कन्हैया सा बना कर मन, पुकारो प्रेम से देखो भला राधा नहीं आती, पुकारो प्रेम से देखो भला राधा नहीं आती। दादा ने हमारे जो शुरुआत की थी कृष्ण और राधा से की थी, वहीं से मैंने 4 पंक्तियाँ उठाई। एक हमारे मित्र हैं वो हमारे पास आए, आकर के मुझसे बोले यार क्या बताऊं किंकर जी, मेरी पत्नी बहुत जिद्दी है। देखिए जिद्दी शब्द जे से लिखा जाता है, हमने लिखा जे, मैंने बच्चा बोले बच्चा भी बहुत जिद्दी है, फिर लिखा जे, मैंने बच्चा पैदा कब हुआ था बोले 19 में, तो मैंने क्यों परेशान हो, यहीं से तो J2 बना है, J2 19 मॉडल है। 4 पंक्तियां देखिए कि मेरी पत्नी जाने क्यों मुझको दिन और रात डराती। जितने शादीशुदा लोग हैं मैं सभी की पीड़ा अपने शब्दों में कहता हूँ कि मेरी पत्नी जो मुझको जाने क्यों दिन रात डराती और कभी कभी मुझको जाने कितनी धमकी दे जाती। फिर मैं सोचता है ईश्वर औरत को किस सांचे में ढाला और इसीलिए मर्दों का जीवन बना हुआ है गड़बड़ झाला, और इसीलिए मर्दों का जीवन बना हुआ है गड़बड़ झाला। और जब मैके की देती धमकी, देखिए मैका तोप होता है उसके आगे आदमी टिकता नहीं है, कि जब मैके की देती धमकी तभी लालटेन बुझ जाती और सारा मन व्याकुल हो जाता और आत्मा भी घबराती। और यदि दहेज को एक्ट बनाकर औरत खड़ी सामने होगी, कितना भी पैसे वाला है हो जाएगा दिल का रोगी। तो मेरा बस इतना कहना है शादी कर बुद्धू बन जाओ और साली सलह सबके ताने खूब पेट भर के तुम खाओ, साली सलह सबके ताने खूब पेट भर के तुम खाओ। और पत्नी कितने प्रकार की होती हैं सुनिए, कि पत्नी वह जो पति को जगाए दे सुबह सुबह उठा दे, कि पत्नी बहाय जो पति को जगाए दे और धर्म पत्नी बहाय जो धर्म में सनी रहे, अर्धांगिनी बहाय जो अर्ध नग्न कर छोड़े और घरवाली बहाय जो घर में पड़ी रहे, घरवाली बहाय जो घर में पड़ी रहे। मेरे मित्र गिरवर दास कुछ कुछ खुश उदास वे बोले आप कभी सम्मेलन में जाएंगे, मैंने सुना है आप गाड़ी खरीद लाएंगे, बिन गाड़ी के आदमी लाचार है, लक्ष्य भेदन के लिए बेकार है, हमने भी खींच डाला एक प्रतिबिंब, एक कार खरीद ली अविलंब। लेकिन जब ही वो कार में बैठ करके हम रोड पर आए एक दरोगा जी हमें देख करके मुस्कुराए, बोले ये मेरी पोस्टिंग का पहला काम होगा
कम हवा पर आप चलाते हैं आपका चालान होगा। देखिए ये भी एक नियम है, कम हवा पर आप चलाते हैं आपका चालान होगा। मैंने कहा दरोगा जी आप अपना और हमारा दोनों का काम चला दीजिए, कुछ बीच का रास्ता बना लीजिए। तभी दरोगा जी बोले कि गाड़ी कोतवाल साहब को चाहिए, मैं आपका तो काम चला देता लेकिन कोतवाल साहब को क्या बता देता, मैं कोतवाल साहब को क्या बता देता। अब गाड़ी में आप तेल डलवाइए, गाड़ी कोतवाली भिजवाइए, आप अपना काम जैसे भी हो चलाइए, लेकिन इस समय आप हमारा सहयोग करते जाइए, लेकिन इस समय आप हमारा सहयोग करते जाइए।